भाई कितने भर दिए इसके अंदर। इसमें तो एक ही अलाउड है बस, पर चार कैसे भरते। गुड मॉर्निंग गाइस, मतलब मेरी तो गुड मॉर्निंग ही है क्योंकि मैं जो है सुबह सुबह अभी जॉब से वापस आके ना अभी सो गया था। तो भाई मैं अभी सो ही रहा था इतनी देर से, मैंने पता नहीं 2 घंटे से शायद सो रहा था, और भाई 6 घंटे की शिफ्ट थी तो काफ़ी थकावट हो गई थी। तो अब जो है जी, अब मैं जाऊँगा, अब जिम जाऊँगा, जिम चलते हैं। मैंने आपको कल प्रॉमिस किया था कि आज जो है जिम जाना है, तो भाई आज शायद लेग वर्कआउट मारते हैं, ठीक है, ताकि टेस्टोस्टेरोन अपना हायर रहे। तो लेग वर्कआउट मानना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। मैं लेग्स मिस नहीं करता, जिम मिस कर देता हूँ पर लेग्स मिस नहीं करता, ठीक है। तो भाई लेग्स मारो बढ़िया, क्योंकि 50% ऑफ द बॉडी, समझ रहे हो ना। तो भाई लेग वर्कआउट है आज, तो थोड़ा हैवी कार्बोहाइड्रेट मील ले लेते हैं। तो मैं जो है क्या लेऊँगा मैं आपको दिखाता हूँ। इसका जो है ना 2 टेबल स्पून ले लेना, ठीक है। 2 टेबल स्पून अपने आप हिसाब से देख लो यार कितना होगा, बाकी मेरे तो जितनी ब्रेड पे, एक ब्रेड पे लग जाएगा मैं उतना ले लूँगा। और 2 ब्रेड ले रहा हूँ साथ में, ठीक है, मतलब 2 ब्रेड, 2 होल व्हीट की ब्रेड ब्राउन, ठीक है, और 2 टेबल स्पून पीनट बटर, काफ़ी है आपको जो है होल, मतलब अच्छे गुड फैट्स भी मिल गए पीनट बटर से और अच्छे कार्बोहाइड्रेट भी मिल गए, और वो भी आधे घंटे पहले। तो जो है ये जल्दी से ना डाइजेस्ट हो जाएंगे अपने, तो ये जैसे ही डाइजेस्ट होंगे आपको फुल हो जाओगे, आपका स्टमक फुल हो जाएगा, एनर्जी फुल आ जाएगी और आप जो है वर्कआउट अच्छा कर पाओगे, ठीक है। देख रहे हो शोल्डर और बाइसेप सही हो रही है बॉडी, तो ठीक है बॉडी कंडीशन। तो जी अपना आज तो अपर बॉडी नहीं करेंगे हम, आज हमारा लेग वर्कआउट है। हाँ जी गाइस, तो मैं ना आपको एक चीज़ दिखाना भूल गया, ये अभी जो है ना, मतलब मेरा जिम जाने से आधा घंटा पहले जो है मैं क्या क्या ले रहा हूँ। तो जी मैंने जो है अपना EAA BCAA दोनों मिक्सचर है इसमें, BCAA और EAA इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह। तो ये जो है ना मैं आधे घंटा पहले पी रहा हूँ, बट लोग कहते हैं कि इसको भाई इंट्रावर्कआउट पीना चाहिए। भाई मैं जो है ना इसे इंट्रावर्कआउट नहीं पीता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो भी EAA लेता होगा ना उसे ये चीज़ पता होगी कि भाई इससे ना एसिड सा बनता है, काफ़ी एसिडिटी सी हो जाती है गले में, और ना जैसे आप बेंच मारते हो तो आप लेटते हो तो फिर जो है आप जब खींचते हो ना, मतलब बेंच जब भी मारते हो तो ऐसा लगता है कि ऊपर आ रहा है ऊपर आ रहा है, तो ये भाई एसिड रिफ्लेक्स करता है क्रिएट। तो मैं जो है इसको पहले ही ले लेता हूँ, सिर्फ पानी पीता हूँ मैं ड्यूरिंग वर्कआउट, ठीक है। भाई कभी कभार तुम्हारे साथ भी होता है कि जैसे तुम अब क्या है, जैसे तुम कोई मील लेते हो तो उसके बाद आँखें सी खुल जाती हैं, होता है क्या? भाई मेरे साथ अभी हुआ है, पता नहीं या तो मैं सो रहा था इस वजह से जो है काफ़ी देर का रेस्ट हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा पेट खाली था, मतलब कुछ कुछ भी खाया नहीं रहा था तो शुगर लेवल शायद डाउन था। भाई खाते ही ऐसी एनर्जी आ गई है, पता नहीं जैसे व्लॉग तो हम अभी से ही शूट करने लग गए ना, वैसी ऐसी एनर्जी आ चुकी है। तो कमेंट करके बताना है कि ये तुम्हारे साथ भी होता है, सिर्फ मैं अनोखा आदमी हूँ जैसे मैं खुश रहता हूँ ऐसी पागलों की तरह, तो ऐसे ही मेरे साथ हो रहा है या फिर तुम्हारे साथ भी होता है ऐसी चीज़, ठीक है। बताना मेरे को ये चीज़, बताओ पहले कमेंट करके। तुम कमेंट नहीं करते भाई जो मैं पूछता हूँ, मैंने चैलेंज का पूछा तुमने बताया वैसे तो, बट इसका भी कमेंट करके बताना भाई कि तुम्हें भी होता है कि ये सब सिस्टम। हाँ जी गाइस, तो हम हो चुके हैं जी रेडी, और सब कुछ अपना सब कुछ रेडी है, अपना बैग भी रेडी है। तो मैं आपको दिखाऊँ अपने मेरे बैग में क्या क्या होता है, मतलब मेरे पूरे जिम बैग में क्या होता है सामान, मैं आपको दिखाता हूँ 2 मिनट को। काफ़ी सामान है जी इसमें तो, मज़ेदार। भाई देखो क्रिएटिन रखता हूँ मैं, क्रिएटिन ना मैं प्रोटीन के साथ लेता हूँ, मतलब पोस्ट वर्कआउट, ये बड़ा बेनिफिशियल है, ठीक है। साइज़ ने मेरा बहुत बढ़ा दिया, बाइसेप साइज़, चेस्ट साइज़, और बढ़िया बढ़िया एकदम बढ़िया सप्लीमेंट है क्रिएटिन, ठीक है। ये अपना शेकर जो भाई ज़रूरी है, अभी धो लिया था मैंने इसे, और इसमें प्रोटीन और ये दोनों मिक्स करके ले लेंगे, ठीक है। अपना हमारा पर्स है वो तो छोड़ो, ठीक है। और ये हमारी बेल्ट, ये मेरी वो वाली बेल्ट है जो बकल वाली होती है, बढ़िया वाली बेल्ट, ठीक है, पैसा खर्चा हुआ है हमने मोटा, ये वो वाली बेल्ट है जी। और ये जो है मेरे को $130 की पड़ी थी, तो मतलब मोटा मोटा 6-7 हज़ार रुपये की, भाई बहुत महंगी बेल्ट है ये, ठीक है। बाकी 2 पानी की बॉटल, क्योंकि हम जो है फीजी वाटर पे बहुत ध्यान दे देना यार, फीजी वाटर जो है थोड़ा बॉडी बनवा देता कैडी, तो ये ज़रूरी है सबसे ज़्यादा। तो बस मेरे बैग में तो खैर यही है यार, नी सपोर्टर्स मैं नहीं ले रहा अभी, ज़रूरत तो नहीं है,
ठीक है, स्क्वाट नहीं मारूंगा आज, नॉर्मल अपना नॉर्मल वर्कआउट है। तो गाइस तुम सोच रहे होगे कि भाई जिम जा रहा है या भाई जंग लड़ने जा रहा है, इतने कपड़े पहन क्यों रहे हैं। खैर अभी तो नीचे शूज पहन रहा हूँ, बट भाई तुम सोच रहे हो इतने कपड़े क्यों पहन रहा है यार, इतने कपड़े क्यों पहन रहा है। भाई तुम्हें बता के ना हैरान हो जाओगे तुम लोग अगर बता दिया तो। कनाडा में टोरंटो में ना अभी देखना क्या हो रहा है, 5 डिग्री हो रहे हैं भाई, और अभी जो है ना 7:30 बज रहे हैं शाम के और 5 डिग्री हो रहे हैं। और कनाडा में ना एक बड़ी अनोखी सी चीज़ है जो तुम्हें देख के जो है बताऊंगा ना, तुम कहोगे भाई ये क्या सिस्टम है। तो यहाँ पर जो है ना 5 डिग्री तो वैसे हो रहा है और फील्स लाइक 3 डिग्री हो रहा है, मतलब जो मतलब 5 डिग्री ओरिजिनली हो रहा है बट जो हवा है ना, हवा उसे और ठंडा लगाती है, तो मतलब वो 3 डिग्री जैसा ठंडा लगता है। तो ये भाई विंड मेक्स इट फील कोल्डर, तो 3 डिग्री हो रहा है भाई कनाडा में। तो कुछ मतलब कोई बहाना रहेगा जिम ना जाने का, बताना 3 डिग्री में भी जिम जा रहे हैं। तुम्हारे लिए बड़ा अजीब लग रहा होगा भाई, जैसे मनाली या कसौली या कसौल मतलब और ऊपर 3 डिग्री होता था ना भाई, उसमें जो है जिम जा रहे हैं हम। क्योंकि तुम्हें पता होगा जैसे जैसे तुम कोई स्पोर्ट खेलते हो, जैसे फुटबॉल खेलते थे तुम बचपन में, तो भाई अगर तुम फुटबॉल खेलते थे ना तो तुम्हारी लेग्स बड़ी स्ट्रांग होंगी शुरू से। जैसे मैं जो है, मेरे को भाई मैं जब जिम जाता था ना तो मुझे सिर्फ दो ही चीज़ें पता थी कि भाई वर्कआउट में एक बाइसेप और एक ट्राइसेप, और मेरे दोनों बहुत स्ट्रांग हैं, ठीक है। तो मेरे वो चीज़ जो है ना वो चेस्ट को डोमिनेट करती है, तो मुझे चेस्ट ग्रो करनी है, इसलिए मैं जो है चेस्ट अप डेली करने लग गया हूँ, और अपना सही सिस्टम है। और जी अब मैं ले रहा हूँ हाफ स्कूप, ठीक है भाई, हाफ स्कूप डाल रहा हूँ अभी देख लो, ठीक है, सिर्फ हाफ स्कूप ले रहा हूँ क्योंकि भाई ये बहुत स्ट्रांग है, एक मिनट में जो चीटी दौड़ाता है, ठीक है। तो चीटी दौड़ाने का मतलब जो वर्कआउट करता है ना भाई, उसे समझ आ गया होगा, तो बहुत स्ट्रांग है, नींद भी नहीं आती, 7:30 बज रहे हैं, ठीक है। चलो भाई ठीक है चलें प्री वर्कआउट। भाई 65 kg था, 80 पहुंच गया है, मौज आ रही है। बेंच मेरे को समझ नहीं आता मेरी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा ख़राब क्यों है यार, मैं पागल हो गया, आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब लेग प्रेस जो है आउट ऑफ ऑर्डर है यार, मतलब आज तो लेग्स मारने आया यार मैं, और आउट ऑफ ऑर्डर। अब दूसरी भी मशीन है एक लेग प्रेस की, वो वाली मारते हैं, वो स्ट्रेट बैठने वाली है, और उसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आता भाई, क्लासिक वाली में ज़्यादा मज़ा आता था भाई। ये वाली है, ये वाली कर लेते हैं यार, डाल दे भाई 210 लैप। आ रहा फुल, झूठ नहीं बोल रहा था, पानी पीता हूँ भाई। अपर बॉडी कैसे पंप हो गई भाई, कर रहे हैं जी वेट, इसमें तो ऊपर व्लॉगिंग भी कर सकता हूँ मैं साथ में, नहीं बहुत हैवी है।
क्राइम पड़ गया। रुको भाई, जो ओलिवर है ना अपना, वो 200 किलो की डेड लिफ्ट मारने वाला है। मतलब अरे जल्दी कर रहे हैं, सिस्टम हैंग करते जल्दी। हाँ भाई ठा लेगा जल्दी जल्दी, चटनी खिलाऊंगा मोमोज वाली जल्दी। और भाई ये नहीं कर पाए हैं नहीं कर पाया है भाई। क्या कह रहा था, 200 कर लेगा भाई। क्या कर रहा है भाई, इसका था ना जो है ये केबल बढ़िया वाली, दोनों को ऊपर लगा दिया है। और भाई केबल करेंगे चेस्ट के लिए, सबसे बढ़िया एक्सरसाइज लगती है मेरे को ये भाई। सबसे ज़्यादा मेरी जो मसल में पंप आता है ना, वो इन केबल की वजह से आता है। इतना मज़ा आता है करके ये भाई, बढ़िया सिस्टम है एकदम। और जी करके बताता हूँ कैसे पंप आया, मज़ा आएगा। सबसे ज़्यादा मज़ा पता है जिम में भी नहीं आता, पता किस चीज़ में आता है, लेग्स करके ऐसे चलने में भाई अपने आप चला जाता है भाई, पता ही नहीं चलता कैसे चला जाता है। दौड़े चले जाओ, वॉक करते चले जाओ, अपने आप ही भागता चले जाता हूँ मैं लेग्स करके। और पैर जो हैं वॉबली वॉबली हो रहे हैं, जो दिखाते हैं ना वो रील वील में कि इतने पैर हिल जाते हैं भाई, हिल जाते होंगे लोगों के एक्स्ट्रा मार के, हमारे तो आज तक नहीं हिले वैसे। बट भाई सीढ़ियाँ उतरते और चढ़ते में थोड़ा दर्द होता है, एक दो दिन बाद वो हालत ख़राब होती है। बट यहाँ तो लिफ्ट लेनी है, किस कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। बाकी जी अभी सीढ़ियों से उतरा और मज़ा सा आ गया उतर के। बाकी एक लड़का मेरे को कह रहा कि भाई यार आपकी तो बॉडी बहुत तगड़ी है यार, तो मैंने कहा मुझे पता है भाई ठीक है। तो फिर वो कह रहा है कि भाई आप प्रोटीन खाते हो क्या। मैंने कहा तू यहाँ कनाडा में रह रहा है तू यहाँ पहली बात तो आया कैसे, अगर तुझे ये नहीं पता कि भाई तुझे मतलब प्रोटीन खा के बॉडी बनती है नहीं बनती। मैंने कहा भाई मैं ना केले के चिप्स खाता हूँ, और केले के चिप्स से बनती है बॉडी कैडी। भाई माना ही नहीं वो भाई, वो कह रहा है भाई आप ना बनाना और दूध पीते होगे और पनीर खाते होगे। मैंने उसे फिर प्यार से समझाया भाई, मैंने कहा भाई एक काम कर, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर तू पहले ठीक है, तो फिर भाई तेरे को समझ में आएगी। और इंडियन ही था बेचारा, तो यार इंडियन इतना मत खा रहे हैं क्या यार, ऐसा तो नहीं हो सकता यार। आधे से ज़्यादा लोगों को पता है बेचारा, उस थोड़ा भोला था वो ठीक है। तो मैंने उससे पहले सब्सक्राइब कराया, मैंने कहा भाई तू सब्सक्राइब कर, तेरे को भाई बताएगा कि बॉडी कैसे बनती है। तो गाइस आ चुके हैं जिम से वापस, और तो सबसे पहले भाई जिम से आके क्या करना होता है नहाने से भी पहले, गाइस नहाने से पहले क्या करना होता है भाई ये ठीक है, दिख रहा होगा अगर तुम्हें भाई, 8 अंडे बॉयल कर रखे हैं ठीक है, 8 पूरे खा जाऊंगा। और जो कहते हैं ना भाई ये येलो पार्ट और कोलेस्ट्रॉल फोलेस्ट्रॉल और मतलब गर्मी बढ़ जाती है, ये हो गर्मी बढ़ जाती है ठीक है, गर्मी बढ़ जाती है मानता हूँ, पर कोलेस्ट्रॉल फोलेस्ट्रॉल भाई सबसे कुछ नहीं होता ठीक है। तुम रोज़ जिम कर रहे हो, और ये उनके लिए है जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, लेटे पड़े हैं भाई तो और अंडे खा रहे हैं ठीक है, लेटे पड़े हैं खा रहे हैं कुछ भी और फिर अंडे खा रहे हैं भाई, वो उनके लिए है ठीक है। जो जिम कर रहा है भाई उसके लिए कोई कोलेस्ट्रॉल वोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा ठीक है। और 8 अंडों से क्या कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तुम भाई यार तेल खा जाते हो इतने ज़्यादा, इतने 2-3 लीटर अगर फ्राइड व्राइड खाते हो तो उससे बढ़ता है कोलेस्ट्रॉल। तो 8 अंडे का भाई, 8 अंडे बॉइल्ड पहले ही बॉइल कर दिया था जाने से पहले, अब वो ही खाऊंगा सीधा, उसके बाद पीऊंगा प्रोटीन, तो सोचो कितना प्रोटीन हो गया। उसके बाद खाएंगे भाई अपना पास्ता ठीक है। तो ये भाई मेरी मील चल रही है। दोनों भाई जो है ना वो मेरे पीछे लग रहे हैं कि भाई तू ना हमारे साथ बात भी नहीं करता, अब मेरे से बात भी नहीं। अरे एक सेकंड, वेट 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 गाइस वेट, ये मेरे से कह रहे हैं कि भाई तू मेरे से बात भी नहीं, ये मेरे से बात भी नहीं करता कि अब जो है तू सिर्फ ब्लॉगिंग करता रहता, तो भाई बात कर ठीक है। तो इनके साथ भाई टाइम स्पेंड करता हूँ, तुम्हारे इनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, और भाई तुम्हें बताता हूँ फिर अगले दिन कल ठीक है। तो गुड नाइट गाइस, बाय बाय।